चंपाई सोरेन बीजेपी में क्यों शामिल हो रहे हैं, उनकी नाराजगी की क्या कुछ वजह है, इनसाइड स्टोरी क्या है, अब हम आपको थोड़ा बताते हैं। और इसके लिए आपको फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा और हम आपको सीधे 2024 के जनवरी महीने में ले जा रहे हैं, जब 31 जनवरी को ईडी की टीम जो है वो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करती है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। उसके बाद 1 फरवरी को उन्हें जेल भेज दिया जाता है और झारखंड में सत्ता पर संकट के बादल मंडराने लगते हैं। फिर एकाएक जो राजनीतिक फिजा है उसमें ये खबर आती है कि कल्पना सोरेन जो हेमंत सोरेन की पत्नी है वो सत्ता की बागडोर संभाल सकती हैं, लेकिन इसको लेकर पार्टी में एक राय नहीं बन पा रही थी और एकाएक एक नाम निकल कर सामने आता है और वो नाम होता है चंपाई सोरेन। और चंपाई सोरेन 2 फरवरी को बतौर मुख्यमंत्री झारखंड के 7वें मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी ताजपोशी होती है। और कहा भी जा रहा था कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि चंपाई सोरेन काफ़ी विश्वस्त रहे हैं शिबू सोरेन के भी और हेमंत सोरेन की भी अगर बात करें तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाने में शिबू सोरेन का जितना हाथ है उससे ज़्यादा कहीं मेहनत अगर बात करें तो वो चंपाई सोरेन की थी। और कहा जाता है कि चंपाई सोरेन सारी चीज़ों को संभाल लेंगे और ठीक ऐसा हुआ भी, यानी शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन की उम्मीदों पर बिल्कुल खरा उतरते हैं चंपाई सोरेन। और 5 महीने यानी आप देखिए कि 2 फरवरी से 2 जुलाई ये 5 महीने का जो टेन्योर था काफ़ी तेजी से चंपाई सोरेन झारखंड की राजनीति में पहले से भी लोकप्रिय थे लेकिन बतौर मुख्यमंत्री वो एक बार तेजी से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाते हैं, कई सारे फैसलों को लेते हैं, कई सारे जो ऐसी बातें थी जिसको लेकर लोग परेशान थे वहाँ पर वो आगे बढ़कर और वो बेबाकी से उन फैसलों को लेते हैं और कोऑर्डिनेशन भी उनका काफ़ी अच्छा रहता है जो घटक दल हैं महागठबंधन की, जो अन्य पार्टियां हैं चाहे कांग्रेस की बात कर लें, आरजेडी की बात कर लें या अन्य जो पार्टियां हैं। और उसके बाद सारी चीज़ें लग रहा था कि बिल्कुल सही चल रही हैं लेकिन तभी हेमंत सोरेन को कोर्ट से बड़ी राहत मिलती है और फिर उन्हें जमानत मिल जाती है। और जमानत मिलने के बाद हेमंत सोरेन वापस आते हैं, तब भी लग रहा है कि सारी चीज़ें जो हैं अब सही रहेंगी, लेकिन उसके बाद की जो कथा है उसने इतनी बड़ी पटकथा लिख दी कि आज चंपाई सोरेन झारखंड की राजनीति में सबसे ज़्यादा देखे सुने जाने वाले व्यक्ति हैं और बीजेपी में वो शामिल हो रहे हैं लेकिन उससे पहले ही झारखंड की राजनीति में बवाल मच चुका है। हमारी इनसाइड स्टोरी आगे भी जारी है लेकिन उससे पहले हम सुनते हैं ऐसे लोगों को जो झारखंड की राजनीति पर अपनी पैनी नजर रखते हैं। तो झारखंड की जो राजनीतिक स्थितियां हैं वो काफी तेजी से बदल रही हैं। आप देखिए कि पूर्व सीएम कल तक चंपाई सोरेन जो हैं वो जेएमएम के हिस्सा हुआ करते थे, अब बीजेपी में जा रहे हैं और इससे क्या फायदा होगा बीजेपी को, झारखंड की राजनीति पर कितना असर होगा या जेएमएम को कितना नुकसान हो सकता है, हेमंत सोरेन को कितना नुकसान हो सकता है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार एके पांडे जी हैं। जी अरुण कुमार पांडे जी हमारे साथ हैं। सर देखिए सबसे बड़ी बात है क्योंकि ये मामला झारखंड का है लेकिन झारखंड में कुछ चीज़ें होती हैं तो बिहार अछूता नहीं रहता है और एकीकृत बिहार का ही हिस्सा था, तो ये जो घटनाक्रम है झारखंड में इसे कैसे देखते हैं? देखिए इसी साल नवंबर महीने में चुनाव होंगे वहाँ विधानसभा के और भाजपा ने अपनी पूरी दाव ताकत लगा दी है। याद होगा पिछला चुनाव सत्ता छिन गई थी, तत्कालीन चीफ मिनिस्टर रघुवर दास सीएम रहते चुनाव हार गए थे और किसे हारे थे तो पार्टी में ही एक तरह से कहिए बगावत विद्रोह किया था सरयू राय जी ने, जो अब जदयू के हिस्सा हो गए हैं, उस समय मंत्री थे सरकार में और मुख्यमंत्री से इस हद तक बात बिगड़ गई कि उन्हीं के कंसल्टेंसी से लड़े, निर्दलीय लड़े, इसलिए कि पहले से भी वो रघुवर दास की सरकार के काम काज पर सवाल उठाया करते थे तो उनको टिकट ही नहीं दिया पार्टी ने, पार्टी नेतृत्व जो है वो रघुवर दास का साथ दिया तो बागी बन गए, चुनाव लड़े और रघुवर दास चुनाव हार गए ही नहीं, सत्ता चली गई और कहिए कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन स्ट्रांग बना कि वहाँ जेएमएम
के नेतृत्व में फिर हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर हो गए, कांग्रेस भी सत्ता में सब आ गए। इसका मतलब ये निकाला जाए क्या कि हेमंत सोरेन की भी स्थिति रघुवर दास जैसी हो सकती है? नहीं, देखिए रघुवर दास जैसी स्थिति खुद शिव सोरेन सीएम रहते चुनाव हारे हैं, रघुवर दास सीएम रहते वहाँ तो एक विचित्र स्थिति है। राज बंटवारे के बाद एकमात्र रघुवर दास की गवर्नमेंट थी जो फुल 5 साल काम की, बाकी किसी चीफ मिनिस्टर ने 5 साल का टर्म पूरा नहीं, कोई कई बार बने। अब जो बात आपने अभी चंपई सोरेन की, पूर्व मुख्यमंत्री थे और शिव सोरेन परिवार के लिए सबसे विश्वस्त सही होगी कि हेमंत सोरेन को जब फरवरी महीने में जेल जाने की नौबत आई तो किस पर भरोसा किया उन्होंने? घर में भाभी भी थी, भाभी तब तो खिलाफ कर रही थी, वो नहीं चाहती थी कि कल्पना सोरेन बने और कोई बने, तो अब वो चंपई सोरेन पर भरोसा किया हेमंत सोरेन ने और फरवरी में बने और 6 महीना में जब वो जमानत पर छूट कर आए तो कहा कि अब चलो खाली करो भाई। यही पर मुझे याद आता है बिहार की हेमंत, यहाँ भी जीताराम मांझी के साथ क्या हुआ था, ऐसा ही कुछ हुआ था कि नीतीश जी लोग चुनाव हार गए थे तो उनको लगा कि भाई इतना हम काम किए हैं और जनता हमको नहीं दी तो कुर्सी पर बैठा दिए जीताराम मांझी को, और जीताराम मांझी कुछ जब अपने हिसाब से चलने लगे तो रास नहीं आया, फिर नीतीश जी बैठ गए और वहाँ 6 महीने के बाद हेमंत सोरेन आ गए और उनको इस्तीफा करा दिया। यहीं पर वो अपमानित, में देखिए एक सीएम रहा व्यक्ति को जब आप रिजाइन कराइएगा तो बहुत कम लोग सह पाते हैं, और कोल्हान इलाका जो है जैसे संथाल परगना, अब शिव सोरेन उसी इलाके से आते हैं तो उनकी मातृभूमि कर्मभूमि है, पूरे झारखंड आंदोलन में एक अग्रणी भूमिका शिव सोरेन ने निभाई, वैसे ही चंपई सोरेन भी अपने इलाके में कोल्हान क्षेत्र के, वहाँ कोल्हान टाइगर कहा जाता है। निश्चित मतलब जेएमएम को झटका है और बीजेपी को तो फायदा है ना, उसको तो चेहरा चाहिए जो जेएमएम में कहीं ना कहीं फूट डालने वाला हो, एक घर में भी खराब हो, ये तो चाहेगी नहीं, एनवी पार्टी आखिर क्या चाहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए कि हमारे साथ बिहार झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे जी थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में झारखंड की राजनीति में काफ़ी परिवर्तन होने वाले हैं और चंपई सोरेन बीजेपी में जा रहे हैं, इसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को मिलेगा और झटका लगेगा जेएमएम को और इसके दुर्गामी राजनीतिक परिणाम भी निकल कर सामने आएंगे। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, पटना। तो हम आपको इनसाइड स्टोरी बता रहे हैं कि आखिर कैसे चंपई सोरेन, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, शिबू सोरेन के सबसे विश्वस्त कहे जाने वाले चंपई सोरेन अब बीजेपी की कश्ती पर सवार नजर आएंगे। आखिर चीजें ऐसी कैसे हुई, ये हम आपको आज बताने का प्रयास कर रहे हैं। हमने आपको सुनवाया भी वरिष्ठ पत्रकारों से कि किस तरीके से जब हेमंत सोरेन ने फैसला लिया कि चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाना है तो उसके बाद से ही इस बात की शुरुआत हो गई कि चंपई सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा में नज़रअंदाज आने वाले भविष्य में किया जाना है। कुछ ऐसी बात जाने माने पत्रकार कमल कुमार ने भी कही। देखिए चुनाव में मतलब अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, सभी पार्टियाँ अपने अपने राजनीतिक प्रयास शुरू कर दिए हैं, जी जान से तैयारी कर चुके हैं। इसी बीच ये बहुत बड़ा मतलब राजनीतिक घटनाक्रम कहा जाएगा झारखंड के लिहाज से, ये चंपई सोरेन एक ताकतवर नेता है झारखंड में, ये मतलब बिहार मतलब जो बंटवारा हुआ था उससे पहले ही वे झारखंड टाइगर के नाम से भी जाने जाते हैं, कोल्हान टाइगर के नाम से जाने जाते हैं। निश्चित तौर पर अगर ये मतलब झामुमो से अलग होकर बीजेपी में अगर शामिल होंगे तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि उनका मतलब राजनीतिक पर झारखंड के राजनीति में बहुत बड़ा वर्चस्व रहा है। 1991 में पहली बार वे निर्दलीय विधायक बने थे, 95 में भी विधायक बने, लगातार विधायक चुने जा रहे हैं, मतलब अपनी ताकत है किसी के अंदर, मतलब उनका खुद एक राजनीतिक वजूद अलग है। तो निश्चित तौर पर वहाँ झामुमो का एक मतलब चंपई का बीजेपी में जाना झामुमो के लिए बड़ा झटका है। चंपई सोरेन ने एक पत्र भी जारी किया और उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थीं जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया। इस पत्र में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि मुख्यमंत्री पद से हटाया जाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसके बाद उन्हें मंत्री बनाया गया और पार्टी में भी उन्हें अलग थलग करने की कोशिश की गई और ये बातें उन्हें
काफी दुखी कर रही थी। अब बड़ी ही पशुपेश वाली स्थिति चंपाई सोरेन के सामने थी कि क्या वो पार्टी को छोड़ दें या राजनीति से संन्यास ले लें या कोई नया रास्ता वो देखें। लेकिन इस सब में एक बात जो है वो आड़े आ रही थी और वो थी दिशोम गुरु से बगावत करना, उनकी पार्टी से बगावत करना। लिहाजा वो बड़े पशुपेश में थे और अगस्त के शुरुआती अगर हफ्तों की बात करें यानी 9-10 अगस्त से ये बातें अब सार्वजनिक होने लगी थी कि चंपाई सोरेन का अब पार्टी से मुंह भंग हो चुका है और वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। इस बीच हवा में कई सारी बातें तैरती हैं कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, वो नई पार्टी बना सकते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि मैं नई पार्टी बनाऊंगा। तो वो पशुपेश की स्थिति में थे कि आखिर वो क्या करें, क्योंकि जो विश्वास उन पर दिशोम गुरु शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन ने जताया था, अगर वो कोई ऐसा फैसला लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनका दिल इसकी इजाजत नहीं देगा। लेकिन फिर बकायदा चंपाई सोरेन वो लोगों के बीच पहुंचते हैं, अपने समर्थकों के बीच पहुंचते हैं, उनसे राय शुमारी करते हैं और समर्थकों का साफ तौर पे कहना था कि झारखंड के विधानसभा चुनाव में महज 5 से 6 महीने का समय बाकी था और आप सबसे विश्वस्त पात्र थे जेएमएम में। शिबू सोरेन के बाद अगर पार्टी में कोई नेता जिसकी बात सबसे ज्यादा सुनी जाती है, जिसे सबसे ज्यादा लोग भरोसा करते हैं, जिसे सबसे ज्यादा प्यार देते हैं, वो चेहरा था चंपाई सोरेन का। तो लोगों से जो उनके समर्थक हैं, जो जनजाति के लोग हैं और ख़ास तौर पर जो संथाल जनजाति है जिससे वो आते हैं, सारे लोगों के बीच वो पहुंचते हैं। तो आज हमने आपको बताई वो इनसाइड स्टोरी कि आखिर कैसे चंपाई सोरेन, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक समय सबसे विश्वस्त थे, हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया उन्होंने ही बगावत कर दी और अब 30 अगस्त को वो बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आएंगे। खबरों का सिलसिला इंडिया न्यूज पर लगातार जारी है, एक छोटे से ब्रेक लेते हैं। को पावर्ड बाय सच्ची से